पे आप सब तक स्वागत है मेरे चैनल पर मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग पर। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आज है संडे स्पेशल, तो मैं अपनी किचन में और बना रही हूँ। मैं आज आपको बता दूँ, आज बन रहे हैं पकौड़े। तो मैंने यहाँ पे बना दी है ये सारी, आलू को मैश करके सारी चीजें मिला दी है। और आजकल मैं एक चीज बहुत ज्यादा मिला दी हूँ, यहाँ पे मैंने बेसन का पेस्ट बना लिया है। तो मैं आजकल एक चीज बहुत ज्यादा मिला रही हूँ अपनी सारी चीजों में खाने की, तो वो है कसूरी मेथी। क्योंकि मुझे इसका इतना अच्छा टेस्ट लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट लग रहा है मुझे इसका। तो मैं इसको बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ नाश्ता। और उधर मेरे छोले ना मैंने उबलने के लिए रख दिया, आज मैं छोले बनाऊंगी, तो उसकी सीटी आई जा रही है। तो चलो जल्दी से मैं शुरू करती हूँ ये और बाद। तो यहाँ पे जो है ये है संडे का दिन, मैं आप लोगों को बता दूं। और ये थोड़ा सा व्लॉग मेरा लेट हो गया, वही जो एडिटिंग का मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं दक्ष की फरमाइश पे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये सब इतना तला भुना खा के ना शाम के टाइम उसकी तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो गई थी, वो स्कूल भी नहीं जा पाया था। क्योंकि हमेशा ही ना उसको नाश्ते में बस तला भुना चाहिए, मतलब पकौड़ी बहुत ज़्यादा उसको पसंद है। तो अभी बेटर है उसकी तबीयत। और अभी आप लोग ये बन गए मेरे पकोड़े बहुत सुंदर थे। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी ना आप लास्ट तक बने रहिएगा व्लॉग में, क्योंकि लास्ट में जो है हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया है। जैसे कि हम लोगों ने पहले फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, तो अब जो आने वाला जो फेस्टिवल है उसको भी हम अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं अभी लास्ट में आप लोगों को मिलेंगी, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। फिर उसके बाद जो है नाश्ता बनाने के बाद जो है फिर मैंने सारे कपड़े वगैरह धुल लिए थे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। और फिर सारे जो है फिर मैं वापस से जो है जल्दी भी सूख गए थे, ड्रायर करके जल्दी ही सूख जाते हैं। तो अभी छत पे जा रही थी मैं डालने के लिए। और यहाँ पर जो है आज मैंने गेहूं भी धुले हैं, तो वो मेरे खाट पे सूख रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सा मौसम था। तो फिर मैंने सोचा कि आटे के लिए गेहूं जो है वो धुल देती हूँ। और यहाँ पे ऊपर से मैं वापस से कपड़े भी ले आई थी, बस मुश्किल से विद इन 30 मिनट से बाद ही ले आई थी मैं, सारे अच्छे से सूख गए थे। तो अब ये कवर वगैरह मैंने लगा दिए हैं सोफे के, और जो ये प्लो कवर है इन पे भी कवर चढ़ा दिए थे मैंने। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाह रही हूँ, मैं इसी व्लॉग में आप लोगों को बता रही हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, और आप लोग भी शायद बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब मैं उस व्लॉग को बनाऊंगी। तो आने वाले व्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा, इस व्लॉग को भी ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को किस तरह के कमेंट वो जो है व्लॉग्स देखना पसंद करेंगे आप मेरे। फिर उसके बाद जो बाकी के कपड़े थे वो भी मैंने तय करके रख लिए हैं, और फिलहाल बस मैं तैयार होकर जा रही हूँ छत पर। एक साल का हट गया ये। हाय एवरीवन, तो हम लोग आए थे भैया छत पे, अभी तो बैठे थे, और अभी हम क्या देख रहे हैं, एक कुछ सेटिंग कर रहे थे ना दोनों फोन वगैरह की बैठ के। अभी कुछ बहुत बड़ी खिलाड़ी है ना हम, तो हमें दोनों को ही कम समझ में आती हैं चीजें। तो कुछ बैठ के डिस्कशन चल रहा था, और मैं आप लोगों को बता दूं, बड़ा इधर से वो हो रहा है, मौसी इधर आओ आप, खड़े हो जाओ। हाँ तो तो चलो खड़े होके जाऊं मैं मौसी के पास। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक चीज थी कि हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे, तो सो अभी और इस बार जन्माष्टमी जैसे 23 पे मनाई जाती है ना, उससे भी बेटर मनाई जाएगी। और 3-4 साल से हम मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है। तो आप लोग देखिएगा, वॉच कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी आ जाइएगा। ओह माय गॉड, तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आपका दिन भी बहुत अच्छा जाए। देखना ये रीना यूट्यूबर कितने प्यार से बोलने लगी है, और कितना फ्लो में बोलने लगी है। मैं इनको सुन रही थी, भैया बढ़िया वाली यूट्यूबर हो गई है। तो भाई मौसी जी ने बता दिया, तो जैसे कि हम लोग मना रहे हैं जन्माष्टमी, तो आप लोग सबको तो इन्होंने इनवाइट कर ही दिया है। तो हर साल हम लोग मनाते हैं, इस बार भी है हमारा कुछ मनाने का, तो घर पे ही बनाएंगे। और जहां तक मौसी जी के घर पे ही बनाएंगे। हाँ, घर पे ही मौसी जी के घर पे ही मनाएंगे, और सारा अरेंजमेंट करेंगे, डेकोरेशन करेंगे। और अगर आपको कोई मतलब कुछ अच्छा पता हो कि हाँ इस बार जन्माष्टमी में ऐसा इस तरीके का करो, सजेस्ट भी कर सकते हो आप लोग, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगी। और अभी मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, बहुत सारा सामान लेने जाना है। हाँ, माला फूल वगैरह सब कुछ। हाँ, हाँ, बहुत सारा सामान है, तो उसमें भी मैं जाऊंगी, क्योंकि दिन ज्यादा नहीं रहे, 7 को ही है ना, तो 7 को मनाई जाएगी हमारे यहाँ पे, 7 को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो मौसी जी अभी जाएंगी बाजार करने के लिए, एक दो से और डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि सबका अच्छा लगता है, सब थोड़े से मिल बांट के सब चीजों को करते हैं। तो मैं और ये अकेले थोड़ी ना सेलिब्रेट कर लेंगे, तो सब लोगों को बुलाएंगे, जैसे सब लोगों की मर्जी होगी वैसे कर लेंगे। अगर कहीं और के लिए बोलेंगे तो कहीं और के लिए भी कर लेंगे। फिलहाल हम दोनों तो, हाँ वो तो पक्का है ही, वरना जहाँ पे सारी लड़कियों को इन्वाइट करी हूँ, सारी आ जाना, आ जाना, ज्यादा सीरियस मत लेना।
ठीक है, हया जी बुलाती रहेंगे। तो जहाँ हम लोगों ने तीज मनाई थी वहाँ भी मना सकते हैं, यहाँ भी मना सकते हो, जहाँ भी मनाएंगे आप लोगों से शेयर कर देंगे हम लोग। तो अभी बस जा रही हूँ मैं भी घर पे, ऊपर छत पे आए थे तो थोड़ा सी रील वगैरह बनाई, तो आप लोग रील को भी वॉच कीजिए जाके, व्लॉग्स को भी वॉच कीजिए। बहुत अच्छी रील्स गई हैं पता है, डाली है हमने, फनी भी डाली है आज, तो एक दो रील्स मतलब थोड़ी डिफरेंट डाली है, तो आप लोग जरूर जाके देखिएगा, रील्स में मजा आएगा देखने में। हाँ, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग रील्स है। और गाने भी आप लोग ना हम लोगों को थोड़े से बता सकते हैं कि इस पे आप बना लीजिए, क्योंकि मैं तो ओवरऑल डांसर हूँ, मुझे नहीं देखना पड़ता, इन्हें देखना पड़ता है। अब तो सीन नहीं है, अब तो पीछे को बैक बैक जा जाके करती है बैकग्राउंड म्यूजिक, रहने दो रहने दो बस रहने दो भैया, इनके साथ जाके थोड़ा बहुत करना पड़ता है, वरना डांट पड़ती है, तुमने ये गलत कर दिया मीनाक्षी, ये गलत कर दिया, क्योंकि ये तो बस गाना बजाओ और ये तो शुरू दे दबा दो, शुरू हो जाओ, मैं तो गाने वाने सुन के गाना सुनते सुनाते नहीं है, हम तो बस एक बार ही लगाते हैं। नहीं नहीं, मैं मीनाक्षी से बस ये बोलती हूँ, मीनाक्षी कौन सा वाला गाना उठाया कि ये वाला चला दे, ऐसे ही कर देंगे भाई। वाकई मैं ऐसे ही बस, मैं उसे वहाँ सेट करती हूँ रिंग में, और ये आएंगी और ये अपने फ्लो में आके और ले दबा दो, इतना टाइम किसके भाई, इतनी सारी रील्स बनाते हैं हम, एक दो शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, 15-15 तो चलो सारे यूट्यूबर फेल है हमारे सामने डांस के मामले, डांस करने लगे हैं, सबको फेल कर दिया इन्होंने डांस करने में। आप लोग भी कहां तक देखोगे हमारी रील, पर देख लेना दोनों के चैनल पे वॉच करना जाके, बहुत सारा फनी मोमेंट हो गया तो, और दोनों के चैनल पर अलग अलग मिलेगा उसका भी ना, जन्माष्टमी का भी। तो अभी चलो चलते हैं, व्लॉग का ज्यादा नहीं बढ़ाते, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।